मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसको उसकी खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे, हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे।